हाय सवेरा हो गया, अरे सवेरा हो गया, आश्चर्यजनक है, हाय सवेरा हो गया, तथा ही हाय सवेरा हो गया, और क्योंकि सवेरा क्यों हो गया, अब उसका लक्षण बताया गया, सवेरा क्यों हो गया इसकी विशेषता बताई गई। या ते कतोस्त शिखरम पतिरोषदीनाम, या ते कतोस्त शिखरम पतिरोषदीनाम, आविष्कृतो ऋण पुरः सरय कतोरक, तेजो द्वयस्य युगपद् व्यसनोदयाभ्याम्, लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु, उक्ता वसन्त तिलकात्तभजा जगौग। तभी रात्रि क्यों, क्षम्यता, सुबह क्यों हो गई हंत प्रभातम, अरे सवेरा हो गया, तथाई क्योंकि कैसे सवेरा हो गया उसके व्याख्या की जा रही है। या ते कतोस्त शिखरम उक्ता वसंत तिलका तभ जा जगौग, या ते कतोस्त शिखरम पतिरोषदीनाम। एकतः, यहां से ले लीजिए, एकतः पतिरोषधीनाम, एकतः पतिरोषधीनाम अस्त शिखरम याति। एकतः माने एक ओर या एक तरफ, पतिरोषधीनाम औषधियों के स्वामी अर्थात चंद्रमा, औषधियों के स्वामी अर्थात चंद्रमा, एक तरफ चंद्रमा अस्त शिखरम अस्ताचल को जा रहा है, याति माने जा रहा है, एक तरफ चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है। याति कतोस्त शिखरम पतिरोषदीनाम, आविष्कृतो ऋण पुरः सरहि कतोरक। एक तोरक है, एकतः अर्क है, एक तरफ शौर्य, आविष्कृतो ऋण पुरः सरहि, और एक तरफ सूर्य आविष्कृत हो रहा है, अरुण है, अरुण को आगे किए हुए, पुरस्सर है, अरुण को प्रकाशित करते हुए, अरुण के प्रकाश से एक तरफ सूर्य उदय हो रहा है और एक तरफ चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है। याति के कतोस्त शिखरम पतिरोषदीनाम, एकता पतिरोषदीनाम अस्त शिखरम याति। एक तरफ चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है और एकता है अर्क है, एक तरफ आविष्कृतो उदित हो रहा है अरुण पुरःसर लालिमा को आगे लेकर, एक तरफ सूर्य उदित हो रहा है और एक तरफ चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है। तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि तेजो द्वयस्य युगपत्, जैसे दो तेज, तेजो द्वयस्य दो तेज युगपद एक साथ व्यसन माने अस्त हो रहे हैं और उदया उदय उदित हो रहे हैं, एक साथ दो तेज अस्त हो रहे हैं और एक उदित हो रहा है, दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही है, एक तरफ जो व्यसन है वह चंद्रमा है, जो अर्क है वह उदय है, इसीलिए द्युतनांत का प्रयोग हुआ व्यसनयो व्यसनोदयाभ्याम। एक तरफ चंद्रमा अस्तांचल को जा रहा है और एक तरफ सूर्य उदयांचल पर आ रहा है, दोनों विशेषताएं बताई गई कि युगपद एक साथ क्रियाएं हो रही हैं, विशेषण हो गया इन दोनों का कि दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, दोनों तेज हैं, दोनों संसार को प्रकाशित करते हैं, दोनों की अपनी महत्ता है, दोनों प्रकाशित हैं, दोनों का अपना अलग अलग महत्व है,
दोनों एक साथ अस्त और उदय पर जा रहे हैं। तो ही यहाँ बताया कि तेजो उदय से ऊपर ये घटनाएं अलग अलग नहीं हो रही हैं। एक तरफ चंद्रमा अस्तांचल को जा रहा है, डूब रहा है, व्यसन हो रहा है, और दूसरी ओर अर्कह उदय अरुण को आगे किए हुए सूर्य उदित हो रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि लोको नियमत एवात्म दशांतरेषु, ऐसा मालूम हो रहा है कि यह जो लोक है, यह जो संसार है, आत्म दशांतरेषु अपनी आत्म दशाओं में नियमते इव नियमित हो रहा है, नियंत्रित हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे यह संसार अपनी आत्मदशाओं में नियंत्रित हो रहा है। दो तेजों के साथ एक अस्तांचल को जा रहा है और एक उदयांचल को जा रहा है। जो अस्तांचल को जा रहा है वह पतिरोषधि नाम है, जो उदयांचल को जा रहा है वह अर्क है। इससे यह सीख मिलती है कि संसार में सुख और दुख का चक्र हमेशा चलता रहता है। आज आप दुखी हो, आज आपका तेज अस्तांचल पर है तो कल उदयांचल पर होगा। आज आप परीक्षाओं में सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा लगातार प्रयास करते रहोगे तो कभी ना कभी आपका भी उस अर्क की तरह आविष्कृत अरुण पर प्रकाशित होंगे। बताया सुख और दुख की घड़ी हमेशा यह चलती रहती है। पूरा संसार ऐसा मालूम दे रहा है कि अपने आत्मदशाओं में नियंत्रित हो रहा है, आत्मदशाओं में स्वतः नियंत्रित हो रहा है कि दुख के बाद सुख हमेशा यह परिवर्तनशील है। आज सुख है तो कल दुख होगा, और आज दुख है तो कल सुख होगा। सुख दुख हमेशा किसी व्यक्ति के पास नहीं रह सकते, कभी ना कभी उसे दुख का एहसास होगा। यह सूर्य और चंद्रमा से सीख दे रहे हैं कि तेजो दयस युगपत व्यसनो दयाभ्याम, कि यह तेज दो एक साथ घटनाएं घट रही हैं, कि एक तेज है, तेजवान चंद्रमा भी है, तेजवान सूर्य भी है, लेकिन एक अस्त में जा रहा है और एक उदित हो रहा है। अर्थात आपके जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहेंगे।